आजकल पूरे दुनिया में जिस बात की सबसे ज्यादा चर्चा है उसका नाम है कोरोना की वैक्सीन, जिसे आम बोलचाल की भाषा में कोरोना की टीका भी कहते हैं। अगर आप 18 साल से ऊपर के हैं तो इसे लेने के लिए पहले आपको रजिस्ट्रेशन कराना पड़ता है। आज इस वीडियो में हम आपको स्टेप बाय स्टेप कोरोना की टीका की रजिस्ट्रेशन की पूरी प्रक्रिया बताएंगे। सबसे पहले आप अपने मोबाइल के गूगल पर क्लिक कर www.cowin.gov.in टाइप करें और फिर एंटर दबाएं। इसके बाद रजिस्टर पर क्लिक करें। यहां अपना मोबाइल नंबर लिखें और फिर गेट ओटीपी पर क्लिक करें। अब आपके मोबाइल पर 6 अंक का एक ओटीपी वन टाइम पासवर्ड का मैसेज आएगा, जिसे आप यहां भरें और फिर वेरीफाई पर क्लिक करें। उसके बाद आपको ये टीका का रजिस्ट्रेशन पेज दिखाई देगा। आप यहां रजिस्टर मेंबर पर क्लिक करें। आपके पास जो पहचान पत्र है उसे यहां से सेलेक्ट करें। जैसे मेरे पास आधार है तो मैं यहां आधार कार्ड सेलेक्ट कर रहा हूं। यहां अपने आधार कार्ड का नंबर लिखें। आधार कार्ड या आपके पहचान पत्र पर जो नाम लिखा है उसे यहां लिखें। पुरुष होने पर मेल और महिला होने पर फीमेल पर क्लिक करें। यहां अपने जन्म का वर्ष लिखें। इसके बाद रजिस्टर पर क्लिक करें। अब आपका रजिस्ट्रेशन पूरा हो गया है और उसका सारा विवरण आप यहां देख सकते हैं। एड मोर पर क्लिक कर आप अपने घर के 3 और सदस्यों का रजिस्ट्रेशन भी ठीक उसी तरह उनकी सारी जानकारी भरकर कर सकते हैं। अब आप शेड्यूल पर क्लिक करें। यहां अपना पिन कोड लिखें। चूंकि अभी मैं नोएडा में हूं इसलिए मैं यहां का पिन कोड लिख रहा हूं। आप अपने यहां का पिन कोड लिखें। इसके बाद सर्च पर क्लिक करें। यहां आपको आपके आसपास के उन सभी प्राइवेट एवं सरकारी अस्पतालों का विवरण दिखाई देगा जहां टीकाकरण हो रहा है। आप अपने उम्र और सुविधा के अनुसार अस्पताल, दिन और समय का चयन करें। जैसे मुझे कल टीका लेना है तो मैं यहां क्लिक करूंगा, फिर अपने टीका लेने के समय पर क्लिक करूंगा। फिर कंफर्म पर क्लिक करते ही अपॉइंटमेंट कंफर्म्ड का यह मैसेज दिखाई देगा। इसे आप यहां से डाउनलोड करें, जिसे टीकाकरण के समय आपको दिखाना होगा। निर्धारित दिन और समय पर जाकर अपना टीका जरूर लगवाएं। सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि सभी सरकारी अस्पतालों में यह टीका बिल्कुल मुफ्त लगता है। तो अगर आपने अभी तक अपना रजिस्ट्रेशन नहीं कराया है तो आज ही इस विधि को अपनाकर अपना रजिस्ट्रेशन कराएं और जितना जल्दी हो सके कोरोना की टीका लेकर अपने तथा अपने परिवार को सुरक्षित करें।